ठीक है दोस्तों, आप लोग भी इस तरह की वीडियोस क्रिएट कर सकते हो, कोई मुश्किल काम नहीं है, मैं बार बार आप लोगों से यही कह रहा हूं। और सबसे मजे की बात दोस्तों, इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए ना ही आप लोगों को अपना फेस शो करने की जरूरत है, ना ही आप लोगों को दोस्तों, सबसे पहले आप लोग ये प्रूफ चेक कर लें कि ये बंदा पर वीडियो $2,946 कमा रहा है और अभी तक इस बंदे ने कितने डॉलर कमा लिए हैं ये भी आप लोग अपनी वीडियो की स्क्रीन पर देख रहे होंगे। दोस्तों $2,946 पाकिस्तानी करेंसी में कितने बनते हैं ये भी मैं आप लोगों को लाइव प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। सिंपली दोस्तों आप लोगों ने गूगल को ओपन करना है, गूगल को ओपन करने के बाद आप लोगों ने सर्चिंग बार पर सर्च करना है $2,946 PKR। जैसे ही दोस्तों आप लोग इसको सर्च करेंगे तो आप लोगों के सामने मजीद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों आप लोगों के सामने है कि ये बंदा पर वीडियो कितने पैसे कमा रहा है और अभी तक इस बंदे ने कितने पैसे कमा लिए होंगे इसका अंदाजा आप लोग खुद भी लगा सकते हैं। दोस्तों कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान से काम है। चले अभी मैं आप लोगों को YouTube पर भी ले चलता हूं और YouTube पर जाकर भी मैं आप लोगों को लाइव प्रूफ दिखा देता हूं कि आखिर ये बंदा किस कैटेगरी की वीडियोस बनाता है और आप लोग इस तरह के वीडियोस किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। सिंपली दोस्तों आप लोगों ने YouTube को ओपन करना है, YouTube को ओपन करने के बाद आप लोगों ने इस वाले चैनल को सर्च करना है। ये देखिए दोस्तों आप लोगों के सामने है, इस बंदे ने अभी तक सिर्फ और सिर्फ 300 वीडियोज अपलोड की है और 4.1 मिलियन इस बंदे ने सब्सक्राइबर्स भी हासिल कर ली है। अब इस बंदे की मैं आप लोगों को पॉपुलर वीडियोस भी दिखा देता हूं। ये देखिए दोस्तों आप लोगों के सामने है 16 मिलियन व्यूज, 15 मिलियन व्यूज। अगर इसी तरीके से आप लोग नीचे आएंगे तो यहां पर आप लोगों को लाखों में करोड़ों में ही व्यूज नजर आएंगे। आप लोग भी इतने व्यूज हासिल कर सकते हैं, आप लोग भी इतने पैसे कमा सकते हैं। कैसे कमा सकते हैं, क्या तरीकाकार है अभी मैं आप लोगों को बता देता हूं। लेकिन इससे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को कोई एक वीडियो प्ले करके भी दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को अंदाजा हो जाए कि ये बंदा किस कैटेगरी का कंटेंट अपलोड कर रहा है और इस कैटेगरी का कंटेंट आप लोग किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आप लोग भी इस तरह की वीडियोस क्रिएट कर सकते हो, कोई मुश्किल काम नहीं है, मैं बार बार आप लोगों से यही कह रहा हूं। और सबसे मजे की बात दोस्तों, इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए ना ही आप लोगों को अपना फेस शो करने की जरूरत है, ना ही आप लोगों को अपनी आवाज रिकॉर्ड करने की जरूरत है और ना ही आप लोगों को किसी भी किस्म की मेहनत करने की जरूरत है। सिर्फ आप लोगों ने थोड़ी सी मेहनत करनी है, थोड़ी सी मेहनत करके आप लोगों की वीडियो क्रिएट हो जाएगी। इस वीडियो को आप लोगों ने यहां से उठाना है और आप लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल पर जाकर अपलोड कर देना है। तो आप लोग इस तरह की वीडियोस किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो, क्या तरीकाकार है अभी मैं आप लोगों को बता देता हूं। लेकिन इससे पहले दोस्तों, जैसे कि मैं आप लोगों से अपनी हर वीडियो में वादा करता हूं, जो बंदा भी कमेंट विनर हुआ करेगा उसकी मैं फ्री में प्रमोशन किया करूंगा। आज के विनर को आप लोग अपनी वीडियो की स्क्रीन पर देख रहे होंगे। मेरी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों से जितना हो सकता है इस बंदे को सपोर्ट करें, इनकी वीडियोस को लाइक करें और इनके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप लोगों की फ्री में प्रमोशन की जाए तो आप लोगों का भी यही टास्क है। ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं, इस वीडियो को आप लोगों ने मुकम्मल देखना है, इस वीडियो को आप लोगों ने लाइक करना है, हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो के नीचे आप लोगों ने कोई से भी 3 अच्छे अच्छे कमेंट करने हैं। जो बंदा भी विनर होगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसकी फ्री में प्रमोशन करेंगे। चलिए दोस्तों, टाइम को वेस्ट के बिना मैं अब आप लोगों को बता देता हूं कि आप लोग इस तरह की वीडियोस किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो, किस तरीके से आप लोग अपनी वीडियो को 4 चांद लगा सकते हो और किस तरीके से आप लोग भी यूट्यूब से पैसा कमा सकते हो। सिंपली दोस्तों आप लोगों ने प्ले स्टोर को ओपन करना है, प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आप लोगों ने इस वाली एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आप लोगों ने इसका यूज किस तरीके से करना है, अपने वीडियोस को किस तरीके से क्रिएट करना है, चलिए दोस्तों अब वो तरीकाकार आप लोग अच्छे तरीके से समझ लीजिए। दोस्तों इस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आप लोगों ने प्लस पर क्लिक करना है। प्लस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर टाइटल लिखना है, जिस भी टॉपिक पर आप लोग वीडियो बनाना चाह रहे हैं। अगर आप लोग कोई भी नाम नहीं लिखना चाह रहे तो आप लोग अपना नाम भी लिख सकते हैं। फर्स्ट के दोस्तों मैं यहाँ पर ये वाला टॉपिक रहने देता हूँ, मैं अपना नाम लिख देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर अहमद लिख दिया है। इसके बाद आप लोगों ने क्रिएट मूवी पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को स्टिकर की ऑप्शन भी नज़र आ रही होगी, टेक्स्ट की ऑप्शन भी नज़र आ रही होगी, बैकग्राउंड की ऑप्शन भी नज़र आ रही होगी, हैंड की ऑप्शन भी नज़र आ रही होगी और यहाँ पर आप लोगों को म्यूज़िक की ऑप्शन भी नज़र आ रही होगी। सबसे पहले तो दोस्तों आप लोगों ने बैकग्राउंड पर क्लिक करना है और इसका आप लोगों ने कोई भी बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर ज़्यादातर वाइट बैकग्राउंड का यूज़ किया जाता है तो मैं यहाँ पर वाइट बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। वाइट बैकग्राउंड को सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आप लोग बैक चले जाना है। बैक चले जाने के बाद दोस्तों आप लोगों ने स्टिकर पर क्लिक करना है।
है और सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ से कोई भी स्टिकर सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी टॉपिक पर आप लोग वीडियो बनाना चाह रहे हैं उसी के रिलेटेड यहाँ से आप लोगों को कोई ना कोई स्टिकर मिल जाएगा। उस स्टिकर को आप लोगों ने यहाँ से उठाना है और उस व्हाइट पेज पर आप लोगों ने ले जाना है। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि काफी स्टिकर मिल जाएंगे। फर्ज के दोस्तों यहाँ से मैं ये वाला स्टिकर ले लेता हूँ। मैं दोस्तों आप लोगों को समझाने के लिए अपनी एक स्क्रिप्ट के मुताबिक आप लोगों को वीडियो क्रिएट करके सिखाऊंगा। आप लोगों ने अपनी स्क्रिप्ट के मुताबिक अपनी वीडियो को क्रिएट करना है, अपनी वीडियो को आप लोगों ने बनाना है। फर्ज के दोस्तों मैंने ये वाला स्टिकर सेलेक्ट कर लिया है। इसको यहाँ पर लाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को एक लाइन नजर आ रही होगी, इसकी मदद से आप लोग इसका साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। आप लोग इसको छोटा भी कर सकते हैं और आप लोग इसको बड़ा भी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये आप लोगों को टेक्स्ट की ऑप्शन नजर आ रही होगी, यहाँ पर आप लोगों ने टेक्स्ट लिखना है, जो कोई भी आप लोगों की स्क्रिप्ट होगी या फिर जिस भी टॉपिक पर आप लोग वीडियो बनाना चाह रहे हैं। अब आप लोगों को समझ नहीं आ रही कि हम लोग किस टॉपिक पर वीडियो बनाएं, हम लोग कौन सी स्क्रिप्ट लिखें। मैं दोस्तों यहां पर आप लोगों को सक्सेसफुल स्टोरी बनाना सिखाऊंगा या फिर मैं आप लोगों को यह बताऊंगा कि कामयाबी के कितने सूल हैं। तो सिंपली दोस्तों आप लोगों ने गूगल को ओपन करना है। गूगल को ओपन करने के बाद आप लोगों ने सर्चिंग बार पर अपना टॉपिक लिखना है, जो कोई भी आप लोगों का टॉपिक होगा। तो दोस्तों मैंने यहां पर लिख दिया है सक्सेसफुल मोटिवेशनल लाइंस। जैसे ही दोस्तों मैंने ये लिखा कि मेरे सामने यहां पर काफी वेबसाइट्स ओपन हो चुकी हैं, इनमें से आप लोगों ने किसी भी एक वेबसाइट पर क्लिक करना है और आप लोगों के सामने काफी लाइंस आ जाएंगी। इन लाइंस को आप लोगों ने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने टेक्स्ट की जो ऑप्शन नजर आ रही थी यहाँ पर आप लोगों ने उनको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आप लोगों ने इस तरीके से उनकी तरतीब दे देनी है। तरतीब देने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को हैंड की ऑप्शन नजर आ रही होगी, आप लोगों ने हैंड पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ से दोस्तों आप लोग कोई भी हैंड सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों फर्ज किया मैं ये वाला हैंड सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को बैक जाकर एक दफा वीडियो प्ले करके भी दिखा देता हूँ कि आप लोगों की वीडियो किस तरीके से प्ले होगी। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग ये वाली वीडियो देख लीजिए। ये देखिए दोस्तों आप लोगों के सामने है कि कितने ही शानदार तरीके से आप लोगों का एक पेज क्रिएट हो चुका है, आप लोगों का एक पेज बन चुका है। इसके बाद दोस्तों अगर आप लोग दूसरा पेज बनाना चाह रहे हैं तो उसको भी आप लोग इस तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को प्लस की ऑप्शन नजर आ रही होगी, आप लोगों ने यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने एक और पेज आ जाएगा। इसके बाद फिर दोबारा दोस्तों आप लोगों ने स्टिकर पर क्लिक करना है और अपनी स्क्रिप्ट के मुताबिक आप लोगों ने यहाँ से कोई भी स्टिकर सेलेक्ट कर लेना है, जो कोई भी आप लोगों की स्क्रिप्ट होगी। तो फर्ज किया दोस्तों मैं यहाँ से ये वाला स्टिकर सेलेक्ट कर लेता हूँ। स्टिकर सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों दोबारा फिर आप लोगों ने टेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और जो कोई भी आप लोगों की स्क्रिप्ट होगी या फिर जो कोई भी आप लोगों ने गूगल से कॉपी की होगी उसको आप लोगों ने यहाँ पर पेस्ट कर देना है, जैसे कि दोस्तों मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पर कर दिया है। इसके बाद दोस्तों आप लोगों ने इसकी भी एडजस्टमेंट कर लेनी है। एडजस्टमेंट करने के बाद दोस्तों आप लोगों ने हैंड की ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से आप लोगों ने कोई भी एक हैंड को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आप लोगों ने बैक चले जाना है और अभी मैं आप लोगों को वीडियो प्ले करके भी दिखा देता हूँ कि आप लोगों की जो दूसरी स्लाइड होगी वो भी कितने ही शानदार तरीके से एडिट हो चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पर ये आप लोगों को वाटरमार्क नजर आ रहा होगा, आप लोगों ने यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने तीन ऑप्शन आ जाएंगी। पहले दो वाली जो ऑप्शंस होंगी उनको आप लोगों ने स्किप कर देना है, क्योंकि वो यहाँ पर आप लोगों को कह रहे हैं कि आप लोग पैसे लगाएं तो आप लोग वाटरमार्क को रिमूव कर सकते हैं। दोस्तों आप लोगों ने तीसरी वाली ऑप्शन पर क्लिक करना है और आप लोगों ने एक ऐड देखनी है। जैसे ही आप लोग एक ऐड देख लेंगे तो ये देखिए दोस्तों आप लोगों के सामने है, आप लोगों का वाटरमार्क यहाँ से रिमूव हो चुका है। इसके बाद आप लोगों ने इस वीडियो को किस तरीके से सेव करना है वो तरीकाकार आप लोग समझ लीजिए। यहाँ पर दोस्तों ऊपर आप लोगों को एक सेव की ऑप्शन नजर आ रही होगी, आप लोगों ने यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने यस पर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप लोग यस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों का जो प्रोजेक्ट होगा, जो आप लोगों की वीडियो होगी, वो आप लोगों की सेव होकर आप लोगों की गैलरी में चली जाएगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ लोगों के साथ एक छोटा सा मसला पेश आता है कि उनकी वीडियो उनकी गैलरी में नहीं जाती, तो उसका सलूशन भी आप लोग सुन लीजिए। दोस्तों आप लोगों ने प्ले स्टोर पर जाना है और इस वाली एप्लीकेशन को आप लोगों ने अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। इसकी मदद से दोस्तों आप लोग अपनी फाइल को एक जगह से दूसरी जगह भी ले जा सकते हैं और अपनी गैलरी में भी आप लोग सेव कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों की फाइल फिर भी आप लोगों की गैलरी में सेव ना हो तो आप लोगों को एक और सलूशन बता देता हूं कि आप लोग इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के बाद आप लोगों ने इस वीडियो को सेव करना है, सेव करने के बाद आप लोगों ने अपने YouTube चैनल पर जाकर अपलोड कर देना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी।
आज का ये तरीकाकार आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आज के कंटेंट के हवाले से आप लोगों का किसी भी किस्म का कोई सवाल हो तो आप लोग नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को फौरन रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके और आप लोग इन वीडियो से फायदा हासिल कर सकें। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को आप लोगों ने शेयर लाजमी करना है। अगर आपके शेयर करने की वजह से किसी का भला होता है तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी कोई नेकी हो ही नहीं सकती। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।